अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जमात दहम के उर्दू के मज़मून से तामीर चमन गज़ल के बारे में बताऊंगी, गज़ल के अशार की तशरीह करवाऊंगी। हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 31। ठीक है, सबसे पहले हम जो है तामीर चमन नाम है हमारी नज़म का, और इसके शायर हैं जो शायर होता है जिसने इस नज़म को लिखा होता है, इस इन अशार को लिखा होता है, वो शायर कौन से हैं? एहसान दानिश। ठीक है, सबसे पहले हमें बताऊँ जी एहसान दानिश कौन थे, वो कहाँ पैदा हुए और वो कैसे शायर थे। एहसान दानिश जो है वो ज़िले मुजफ्फरनगर भारत में पैदा हुए थे। उनका असल नाम जो था एहसान उल हक, और जो दानिश है वो उनका क्या था? तो हलूस था। ठीक है, अब हम आते हैं ये अशार की तशरीह की तरफ। सबसे पहला अशार देखें, इसमें है जिस तरह मुमकिन हो तमीर चमन करते रहो, काम अपना ए मुबान वतन करते रहो। अब देखें जी इस शेर में जो शायर है एहसान दानिश, वो अपने हम वतनों की को खिदमत वतन की खिदमत करने पर उभारते हुए और उनमें जज्बा पैदा करते हुए कहता है कि शायद ए प्यारे वतन, जो हमारा प्यारा वतन है उसको वो एक चमन से तशबीह देता है। वो कहता है वो अपने हम वतनों को इस गुलिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए हर वक्त कोशिश करने के लिए कहते हैं। वो अपने हम वतन से कहते हैं कि इस वतन ने तुम्हें रहने का मुकाम दिया, पहचान दी, इसकी आबशारें तुम्हारे जज्बों की तमन्नाएं जो है उसको बख्शती हैं, इसके बर्फ़पोश पहाड़ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, इसके दरियाओं की रवानी जो है तुम्हें ज़िंदगी का पैगाम देते हैं, लिहाजा तुम जिस कदर कोशिश करो तुम कर सकोगे, इसकी खूबसूरती में क्या करो, मज़ीद इजाफा करो, इसकी तामीर चमन के लिए कोशिश करते रहो। ठीक है, कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे चमन में भी खुशहाली होगी, अपनी पूरी कोशिश करो, दिन रात वतन की खिदमत में क्या कर दो, सर्व कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अशार नंबर 1 पे जो उसमें अशार ऐड करेंगे वो अशार देखिए सामने है। अशार नंबर 1, अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये बात याद रखें कि जब भी हम नज़म के अशार की तशरीह करते हैं तो वो अशार जो शायर ने लिखे होते हैं, जैसे तामीर चमन में अशार लिखे हुए हैं जिस तरह मुमकिन हो तामीर चमन करते रहो, काम अपना है मुबाने वतन करते रहो, इसकी तशरीह करते हैं, उसमें जो हम शेर ऐड करते हैं उसकी तशरीह हम नहीं करते। ठीक है, उसमें शेर हम ऐड इसलिए करते हैं कि हम उस शेर में जो दूसरा वाला शेर है उसका हवाला देते हैं कि उससे ये मिलता जुलता शेर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए शेर नंबर 2 है, ज़िंदगी यकसर महरिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ अहम नौजवान आने वतन करते रहो। ठीक है, अब देखें कि इस शेर में जो शायर है वो ज़िंदगी को क्या कह रहा है, मुकम्मल हरकत का नाम देते हुए कहता है कि रुक जाना क्या है, मौत की इलामत है। वतन के नौजवानों को हर लम्हा आगे बढ़ने के लिए कोशिश रहना चाहिए। हाँ, शायर जो है इस नज़म में वतन के नौजवान को नसीहत करते हुए कहता है कि ज़िंदगी मसलसल किसका नाम है, हरकत का नाम है। ठीक है, जैसे मशहूर एक मकूला है हरकत में बरकत है, यहाँ पे आप तशरीह में ऐड कर सकते हैं कि हरकत में बरकत, उसके साइड पे इन्वर्टेड कामा लिखे उसे आप लोग लिख सकते हैं कि मशहूर मकूला है हरकत में बरकत। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आपको हरकत का असूल अपनाना पड़ेगा, ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो आपको बदलती हुई राहें दिखाएगा, दुनिया में वही कूफते तरक्की करती हैं जो हर वक्त हरकत में रहती हैं। हरकत में आना ये नहीं कि इधर जाना उधर जाना, नहीं, हरकत का मतलब क्या है, कामयाबी की राहें देखना, कामयाबी की राहों पे चलना, नई से नई राहें जो है वो तलाश करना। ठीक है, हर लम्हा एक नया जहान बात करने की कोशिश है ना, इसी तरह इलामा इकबाल कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। ठीक है, आप लोग इसमें ये शेर ऐड कर सकते हैं, तो शेर भी लिख सकते हैं पूरा, आप लोग इसका बंद लिख सकते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, कनायत ना कर आलम रंग भू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। ठीक है, आप देखें जी तीसरा शेर है, तीसरे शेर में देखें पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, रात दिन हिदमत अरबाब चमन करते रहो। अब देखें शायर अपने हम वतनों को तरगीब दिलाते हुए इस शेर में कहता है कि वतन की हर शहर की अहमियत को जानो, वतन की दिन रात हिदमत से ही तरक्की कर सकता है। अब देखें इस शेर में जो है शायर अपने वतनों को बेलोस मोहब्बत का दर्श देते हुए कहता है कि अपने वतन को जान से ज्यादा अजीज रखो, तुम्हारे इस गुलिस्तान में हर एक शहर इसकी रौनकों में इजाफा करती है, लिहाजा इसकी किसी चीज़ का नुकसान मत होने दो, अपने चमन की हिफाजत करने में अगर हमें जान की कुर्बान जान भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है,
अपने वतन की नजर सानी और दफाई सरहदों के तहफ्फुज के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर देनी चाहिए। जहाँ पे तीसरे नंबर पे सामने देखें उसका शेर, वतन की हूँ अगर कांटे तो भी तो भर ले अपने दामन में, अगर हूँ फूल पर देसी तो मत छुओ बेवफाओं होंगे। ठीक है, यानी कि शायर क्या कहना चाहता है, शायर कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ठीक है, अपने वतन की फलाह बहबूद का इजहार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अपने वतन की तरक्की के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, वतन की हिम्मत जारी रखने का दर्ज दो। ठीक है, तमाम दिलों में एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमने अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ क्या करना है, और उसके लिए चाहे हमारी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें तभी अपनी जो पाँव है वो पीछे नहीं हटाने चाहिए। अब देखिए शेर नंबर चार में, आंधी का क्या भरोसा क्या बगोलू का यकीन, रोज ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। अब देखें कि इस शेर में शायर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे वतन को आने वाली मुश्किल जो है, ज़ाहिर सी बात है जब हम तरक्की की तरफ जाएंगे तो हमें मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि वतन को आने वाली मुश्किल और मसायब का कोई भरोसा नहीं कि कब वो आ जाए, वतन के दफा को रोज बरोज मजबूत करते रहो। ठीक है, यानी कि शायर जो है वो अपने वतन हम अजीजों को ये नसीहत करता है कि वतन का आने वाली मुसीबतों परेशानियों की पेशन गोई करते हैं कि वतन का आने वाली मुश्किल का वक्त मुन है, परेशानियाँ आ भी सकती हैं और जब आए तो आप लोगों को चाहिए कि आप हिम्मत से काम लें। ठीक है, अपने उस राह में आने वाली तमाम आंधियों को, ठीक है, जो है वो हिम्मत से उसका सामना करें। ठीक है, इन सब मसायब को अपने वतन को महफूज करने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम दें। ठीक है, और इसकी नज़र लाती बुनियादों से मराद यानी कि इस्लाम के निज़ाम को इसमें नाफज करना, सरहदों पर खड़े हमारे नौजवान भी दुश्मन के हर पत्थर का जवाब जो है वो ईंट से दें, इसकी हिफाजत के लिए हमें जान को बांध करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। दरअसल जो है शायद वो हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कोशिश को क्या करते हैं, कोशिश के जो तेज़ करने का निज़ाम है कहते हैं उस पैगाम को और ज़्यादा तेज़ करो। कहते हैं आंधियों का कोई भरोसा नहीं, मुश्किलों का कोई भरोसा नहीं कि वो कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या, रोज़ अपनी दीवार चमन ऊंची करते रहो, यानी कि रोज़ अपने दफा वाली जो दीवार है, ठीक है, अपने कौम की हिफाजत के लिए जो सरहदें हैं जो बुनियादें हैं उसको मजीद और मुस्तहकम करो। ठीक है, इसमें चौथे शेर में आप लिख सकते हैं वो जो दूसरे शेर मैंने ऐड करवाया था, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, आप इसमें ये शेर ऐड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 31 में हमने तमीर चमन के जो हैं चार अशार की तशरीह जो है वो पढ़ी है, नेक्स्ट अशार की तशरीह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।